वही झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत गुलिया ने अपनी जीत का दावा किया है। कहा है कि हर वार्ड से वो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। उनके चुनाव जीतते ही बीजेपी प्रत्याशी ओपी धनखड़ और कांग्रेस की दुकानें बंद हो जाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी पर जनता को बरगलाने का उन्होंने आरोप लगाया। कहा इन्होंने जनता का नहीं सिर्फ अपना विकास किया है। अजीत गुलिया ने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, यही उनकी कोशिश होगी। इस दौरान गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया ने भी अजीत गुलिया उर्फ जीते के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में हर प्रत्याशी अपने आप को बेहतर बता रहा है, लेकिन बेहतर वही है जो जनता के हित की बात कर सके। अजीत गुलिया उन्हीं में से एक है। उन्होंने भी अजीत गुलिया की जीत का दावा किया। लिए ये वोटर मेरे लिए भगवान है, ये प्यार कर रहे हैं, मेरे को तोल रहे हैं। आपने सवेरे से मेरे साथ थे, आपने देखा भी होगा, तो ये प्यार कर रहे हैं। पांचवा नंबर है, कांच का गिलास है, भरने का काम जनता करेगी 100%। युवाओं के लिए क्या संदेश है बादली होते युवा? ये मेरे को, ये तो मेरा पड़ोस का यही पढ़े होंगे सारे व्यक्तिगत जाने, इनका संदेश के भाई ये जो हल्के से क्या अपील करना चाह रहे हो? 5 तारीख को अपील कर रहे हैं, हमारी कांच के गिलास में एक बार गिलास ना भर दो, फिर बाकी इन दोनों ही दुकान बंद कर दूंगा। नेता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, हल्के में घूम रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरह से? हम नेता नहीं, हम सेवादार हैं, हम सेवा करेंगे। नहीं, और भी नेता आ रहे हैं, लोगों को अपील कर रहे हैं, वो भी आप भी अपील कर रहे हो, कैसे देखो? उन्होंने शायद अपील की, दोनों ने एक बार बन के देख लिया, अगर सेवा करते तो अपील की शायद जरूरत ना होती। उन्होंने अपना घर भरा है और झूठ बोला, इसी आगे कुछ अजीत जी का इलेक्शन आप दिन प्रतिदिन, क्योंकि इलेक्शन का क्या होता है, जितने निकट जब आता है इलेक्शन तो करवट बदलता है, तो अभी करवट जो है हमारी तरफ चेंज होनी स्टार्ट होगी है और बहुत ही जल्द हम इलेक्शन की जो दिशा है उसको चेंज कर देंगे। देखिए कैंडिडेट तो अनेकों हैं, हमारा लक्ष्य है विजय श्री का पताका लहराना, तो हम सभी कैंडिडेटों को एक ही भाव से देखते हैं, ना कि दो। हमारी नज़र में कोई दो दा नहीं है, हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो जनता है उसके सामने अपनी बातें रखना, और हम ये देखते नहीं हैं जिसने जैसा पीछे किया है।